हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी भलो आछो। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिटेल्ड कंपैरिजन शिनोबी कामी M4 और ग्लेशियर M4 6 का। मैंने एक पोल डाला था मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे एंड पूछा था मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों से कि कौन सा कंपैरिजन देखना पसंद करेंगे। सो मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर फ्रेंड्स चोज ग्लेशियर वर्सेस शिनोबी कामी। तो मैं उसका डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाली हूँ गाइस आज। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि एनिमी के पर्सपेक्टिव से भी मैं दिखाऊंगी कि कैसी लगती है दोनों गन्स की ऑन हिट इफेक्ट। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा देती हूँ गाइस कि मुझे ये वाली गन की स्किन कब और कैसे मिली थी। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि M4 ग्लेशियर की क्रेट थोड़े दिन पहले आके चली गई थी एंड उसमें मेरे को लकीली फर्स्ट 540 के स्पिन में ही M4 ग्लेशियर मिल गई थी। मतलब वो अच्छे दिन थे, मतलब लिटरली आई अप्रिशिएट दोज डेज बिकॉज 540 में M4 ग्लेशियर जो सबकी फेवरेट है वो मिलना बहुत 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 ज्यादा बड़ी बात होती है। तो इसका क्रेट ओपनिंग का वीडियो भी मैंने डाल रखा है मेरे चैनल पे, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर चेकआउट करना। एंड नेक्स्ट डे मैंने वापस से स्पिन किया था एंड वापस से मुझे M4 ग्लेशियर मिल गई थी 30 UC में। तो वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए भी एंड जिन्होंने भी वीडियो देखा है उनके लिए भी। एंड उसके बाद शिनोबी के टाइम पे गए, शिनोबी का जैसे आपको पता है कि अभी अभी उसका इवेंट चल रहा है, तो मैंने ये वाली गन 3 बड़े कॉइन से रिडीम किया था एंड उसका भी मैंने क्रेट ओपनिंग की वीडियो डाली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो छोटा सा फ्लैशबैक था ये। तो अब हम लोग आ जाते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन में। इसके बाद मैं TDM में जाके ऑन इट इफेक्ट दिखाऊंगी, जो गोली मार रहा है उसके पर्सपेक्टिव से भी और जो गोली खा रहा है उसके पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड हमारी शिनोबी कामी रहेगी एंड राइट साइड पे ग्लेशियर रहेगा। ये दोनों का लेवल 1 है। तो गाइस ऑनेस्टली मेरे को शिनोबी कामी लेवल 1 पे ज्यादा पसंद आया कम्पेयर टू ग्लेशियर, बिकॉज ग्लेशियर में कुछ इन लोगों ने एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं डाला है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं लेवल 2 पे, जो कि एलिमिनेशन स्पेशल इफेक्ट। गाइस एलिमिनेशन स्पेशल इफेक्ट जो है ना ग्लेशियर का बहुत ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि इसका धुआं काफी ज्यादा तेज आता है। लेकिन हमारे शिनोबी कामी M4 में एक एक्सप्लोजन इफेक्ट है जो ग्रेनेड पे मिलेगा, जो हमें इसमें मिलेगा, लेकिन ग्लेशियर में ऐसा कुछ है नहीं। वो ऑब्वियसली होगा नहीं गाइस क्योंकि ये काफी पुरानी गन है एंड ये अभी रिसेंटली आई है, तो इन लोगों ने काफी नए नए चीजें इसमें डाले हैं। जहाँ पे हम शिनोबी में देखो गाइस काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब काफी ज्यादा लेवल 1 के कंपेरिजन में लेवल 3 में काफी ज्यादा डिफरेंस है। कुछ ज्यादा ही अच्छे अच्छे ग्लो लेकर आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट चीज आ रहा है, फील आ रहा है। लेकिन ग्लेशियर में आप देखो कि मतलब लेवल 1 से लेवल 3 काफी ज्यादा इन लोगों ने बेटर किया है। मतलब लेवल 1 में तो कुछ नहीं है, लेवल 3 में थोड़ा और ज्यादा ये चमक जाता है। तो लेवल 3 में आप मुझसे पूछे तो मुझे ऑब्वियसली शिनोबी ज्यादा पसंद आया कम्पेयर टू ग्लेशियर। उसके बाद लेवल 4 में है हमारा एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट, जो गाइस ऑनेस्टली शिनोबी का कंपैरिजन में ग्लेशियर का कुछ भी नहीं है। शिनोबी का एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट बहुत ज्यादा सेक्सी है गाइस, ग्लेशियर का तो एकदम बेकार है उसके सामने। उसके बाद आते हैं हमारे हिट इफेक्ट पे एंड हिट इफेक्ट पे गाइस नो डाउट ग्लेशियर का हिट इफेक्ट इज नेक्स्ट लेवल, वो तो पता ही है क्योंकि उसका पर्पल एंड ग्लेशियर का गाइस इंसान अंधा हो जाता है। सो इसमें अगर पूछे तो मुझे ग्लेशियर का ज्यादा पसंद आया कंपेयर टू। लेकिन हमारे शिनोबी कामी में एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें अगेन है, जो की है ये ऑर्नामेंट स्लॉट, जिसमें आपके पास कोई भी ऑर्नामेंट्स वगैरह है ना तो आप उसमें से कोई भी उस गन पे लगा सकते हो। ठीक है, तो मुझे तो शिनोबी वाला ही पसंद आया तो मैंने वही वाला लगा रखा है, लेकिन आप इसको चेंज करके कोई दूसरा लगा सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा फीचर दिया है शिनोबी कामी M416 में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फाइनल फॉर्म एंड ये वो फॉर्म है गाइस जिसमें ग्लेशियर कुछ ज़्यादा ही अलग चमकती है। मतलब शिनोबी में भी इफेक्ट आया है लेकिन ग्लेशियर में कुछ ज़्यादा इफेक्ट आया है। गाइस यही है वो स्टेज जिसमें ग्लेशियर सबसे ज़्यादा चमकती है, बाकी ग्लेशियर का एडवांस फॉर्म एंड बेसिक अपीयरेंस में ग्लेशियर कुछ भी नहीं है, बेकार लगता है एकदम। एंड शिनोबी भी आप देख सकते हो कि ये भी अच्छी लग रही है काफ़ी, लेकिन हमारे शिनोबी के पास एक और एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि है ये इंस्पेक्ट इमोट, जो हमारे ग्लेशियर के पास है नहीं। तो इसका इंस्पेक्ट इमोट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप देख सकते हो, लेकिन ग्लेशियर में ऐसा कुछ है नहीं। तो इस स्टेज में मुझे दोनों पसंद आए, ग्लेशियर भी अपने में अच्छी लगती है एंड शिनोबी भी अपने में अच्छी लगती है। उसके बाद लास्ट आता है लूट क्रेट। गाइस लूट क्रेट में तो ग्लेशियर का कोई मुकाबला ही नहीं है ऑब्वियसली। इसका लूट क्रेट देखो गाइस कैसे चूजा जैसा लग रहा है ना, चूहे की तरह लग रहा है, लेकिन उसका लूट क्रेट देखो गाइस ग्लेशियर का, इसके कितना दमदार है, कितना क्यूट है, कितना अमेजिंग है इसका लूट क्रेट। तो मुझे ऑनेस्टली ग्लेशियर का लूट क्रेट बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड हमारे शिनोबी कामी के पास एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि है ग्लोरियस मूवमेंट, जिसमें जो आजकल की गन
सेंस में आ जा रहा है, मतलब ऐसे यू नो थोड़ा एनिमेशन हो के ये सब गिरेगा। ग्लेशियर में वो नहीं है, लेकिन ग्लेशियर की इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका लूट क्रेट ही इतना सेक्सी है, इतना अमेजिंग है कि ये सब भंग भोसड़े की जरूरत ही नहीं है हमारे ग्लेशियर को। तो गाइस अपीयरेंस की बात में आप मुझे बताओ कि आपको शिनोबी ज्यादा पसंद आई या ग्लेशियर ज्यादा पसंद आई। ठीक, जिस भी गन स्किन के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे वही जीतेगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स में स्पैम कर दो शिनोबी कामी M4 या ग्लेशियर M4, जल्दी कर दो। उसके बाद अब चलते हैं हमारे मेन चीज में जो कि है ऑन हिट इफेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में अगेन हमारा शिनोबी है एंड राइट साइड में ग्लेशियर है। देखो गाइस ऑन हिट देखो आपको कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बिकॉज ऑनेस्टली मुझसे पूछो तो मुझे ग्लेशियर ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन किल फीड मुझे शिनोबी का ज्यादा पसंद आया। ठीक है, लाइक नेक्स्ट लेवल लग रहा है शिनोबी का। तो हम लोग एक और बार देखते हैं, लेकिन इस बार वन एट अ टाइम। ठीक है, तो शिनोबी का देखो गाइस ऐसे पर्पल इफेक्ट आ रहा है, पूरा अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब नॉट बैड एंड ऑल्सो नॉट गुड ऑल्सो, इट्स ओके, मतलब ठीक है, अच्छा है, बाकी गन से अच्छा है। ठीक है, लेकिन वहीं हमारे राइट साइड में अगर हम लोग ग्लेशियर का देखें, ओ माय गॉड, ग्लेशियर का देख रहे होगा इस इंसान सच में अंधा हो जाता है ग्लेशियर में, वो बात है ग्लेशियर में। ग्लेशियर का ऑन हिट का कंपैरिजन अभी भी कोई गन नहीं कर पाया है ऑनेस्टली, लाइक अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन आप बताओ आपको किसका ऑन हिट ज्यादा पसंद आया, हार्ट स्पैम कर दो एंड जिसका सबसे ज्यादा वोट्स रहेंगे वो गन ऑब्वियसली जीतेगी। जो हमने अब तक देखा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेन चीज आता है कि एनिमी पर्सपेक्टिव से ऑन हिट किसका ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें अगेन हमारे लेफ्ट साइड में शिनोबी कामी, राइट साइड में M4 ग्लेशियर। तो आप देखो गाइस किसका अच्छा लग रहा है ज्यादा, आप मुझे बताओ। गाइस ऑनेस्टली मुझसे पूछे तो मुझे ग्लेशियर का अगेन ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यू नो दैट फ्लैशी थिंग वो आंख में रियली में चुभता है। गाइस आप मुझे बताओ कि आपको एनिमी पर्सपेक्टिव के हिसाब से कौन से का ऑन हिट ज्यादा पसंद आया। ठीक है गाइस, ये सारी चीजें मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि ये ग्लेशियर का मुकाबला कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो उनको भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। प्लस मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ वो आप लोग भी सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे, तो जल्दी से कमेंट्स में हाथ स्पैम कर दो M4 या शिनोबी, कौन सा पसंद आया सबसे ज्यादा। ठीक है, अरे बहन चोद ये क्या है। गाइस हमारे शिनोबी कामी M416 में एक एक्स्ट्रा इफेक्ट है जो कि है इसका ग्रेनेड का एक्सप्लोशन इफेक्ट। एंड गाइस ये वाला एक्सप्लोशन इफेक्ट बहुत ही ज्यादा गांड फाड़ है, आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस कितना ज्यादा अमेजिंग है। तो गाइस आप देखो ग्लेशियर का जादू देखो, इतने सारे स्नोमैन एंड सबसे मेन चीज स्नोमैन के ऊपर से स्नो भी गिर रहा है। गाइस इसको जरूरत ही नहीं है ग्लोरियस मूवमेंट की, बिकॉज ये एनिमेशन होता रहता है कि स्नो गिर रहा है, ग्लोरियस मूवमेंट की इसको जरूरत ही नहीं है गाइस। लेकिन अगर देखा जाए ना तो अपीयरेंस के हिसाब से शिनोबी ज्यादा अच्छी है कम्पेयर टू ग्लेशियर। मुझे ग्लेशियर उतनी पसंद आई नहीं जितनी मुझे शिनोबी पसंद आई अपीयरेंस में, मतलब दिखने में। आप मुझे बताओ आपको दिखने में कौन सी ज्यादा पसंद आई, ऑन हिट किसका ज्यादा पसंद आया। एंड मुझे ये भी बताना कि मैं शिनोबी को मैक्स करूं या नहीं करूं, मेरी ऑलरेडी लेवल 5 है, लेकिन मेरे को इसको मैक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ग्लेशियर ऑलरेडी मैक्स है, तो मुझे इसको मैक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी मुझे कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। एंड रुको रुको गाइस एक और अनाउंसमेंट है, मैं 2000 सब्सक्राइबर्स पे वापस से पॉपुलैरिटी देने वाली हूं मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों को, लेकिन इस बार जो टॉप 3 सबसे अच्छे कमेंट्स होंगे ना, जो यूजफुल पॉइंट्स बताएंगे कि M4 अच्छी है एंड शिनोबी अच्छी है लेकिन क्यों अच्छी है ये वो, तो उन टॉप 3 कमेंट्स को मैं वापस से 10,000 पॉपुलैरिटी देने वाली हूँ गाइस, लेकिन तब जब मेरे 2,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मतलब मैं 10 मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों को पॉपुलैरिटी देने वाली हूँ, तो टॉप 3 को मैं 10,000 दूंगी एंड उसके नीचे जो 7 मेरे सब्सक्राइबर दोस्त होंगे उनको मैं 3,000 पॉपुलैरिटी देने वाली हूँ ईच। ठीक है, समझ गए आप। एंड गाइस जहां तक रॉयल पास का गिव अवे है वो मैं बहुत बाद में करूंगी, एंड जब मैं करूंगी तब मैं आपको बता दूंगी मेरे कम्युनिटी टैब में या फिर मेरे कोई वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप मिस ना करो कोई भी अपडेट्स एंड कोई भी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो शेयर कर देना अगर पसंद आए तो, एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताना M4 पसंद आई या शिनोबी पसंद आई। ठीक है, एंड याद रखना टॉप 3 कमेंट्स को मिलेगा 10,000 पॉपुलैरिटी। ओके, सो बाय बाय, खूब भालो थाको एंड लव यू ऑल।